हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते पर और साथ ही साथ आपका जो 18 महीने का डीए एरियर्स है उस पर मैं बड़ी अपडेट देने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है सभी कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यू इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार ने अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर जो है अनाउंसमेंट की थी, उसका ऐलान किया था, लेकिन आगे आने वाले दिनों में यानी मार्च महीने की सैलरी में शायद ये आपको प्रोवाइड ना करा पाए, लेकिन अप्रैल महीने की सैलरी और पेंशन में आपको ये ज़रूर प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी अब आपको अप्रैल महीने की सैलरी और पेंशन में 34% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर से आपको सैलरी और पेंशन का डिसबर्समेंट या सैलरी और पेंशन का आपको क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको जो है 3 मंथ का डीए एरियर्स यानी जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ का आपका डीए एरियर्स आपको वो भी साथ में प्रोवाइड कराया जाएगा। बहुत सारे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं जो अभी बीच में ही जो डीए एरियर्स है 3 मंथ का वो उसका क्रेडिट कर देंगे, या बहुत सारे जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स होंगे जो अप्रैल महीने की सैलरी और पेंशन के साथ में उसका जो है डिसबर्समेंट करेंगे या उसके अकाउंट में खातों में क्रेडिट करेंगे। अब बात कर लेते हैं 18 महीने की डीए एरियर्स पर। तो अब जो है सरकार ने जैसे ही 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का जो है अनाउंसमेंट किया, तो जो है मीडिया में ऐसी खबरें आने लगी कि सरकार अब जो है 18 महीने के डीए एरियर्स का भी भुगतान कर सकती है। हालांकि मीडिया में ये खबरें पहले भी आती रही हैं कई बार, चाहे वो कोई भी बड़ा फेस्टिवल हो, चाहे वो होली रही हो, न्यू ईयर रहा हो, क्रिसमस रहा हो या फिर आगे आने वाले कोई भी फेस्टिवल्स हो, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हालांकि बीच में ये भी खबरें आई थी कि जो है जो यूनियंस और फेडरेशंस हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ में, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अधिकारियों और साथ ही साथ जो DOPT के अधिकारी हैं उनके साथ में मीटिंग होने वाली है, लेकिन अभी तक मीटिंग का कुछ फिक्स नहीं हुआ है कि वो मीटिंग कब होगी। जैसे ही वो मीटिंग होगी उसमें कोई ना कोई बड़ा अपडेट जरूर निकल कर आएगा, तो वो हम आपको ज़रूर बता देंगे। साथ ही साथ सरकार से कर्मचारियों और यूनियंस ने ये भी बोला कि सरकार से रिक्वेस्ट की कि उनको जो है 1 टाइम सेटलमेंट करे डीए एरियर्स पर, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा राहत मिल सके 18 महीने के डीए एरियर्स पर। अगर ऐसा भी होता है तो वाकई में कर्मचारियों और पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि 18 महीने के डीए एरियर्स है वो काफ़ी कर्मचारियों का 40,000 से लेकर के कम से कम 2 लाख तक का बनता है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।